बाड़मेर शहर में आयोजित करवाई जा रही 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आगाज शुक्रवार को शोभा यात्रा के साथ हुआ। बाड़मेर शहर के माहेश्वरी भवन में भारत विकास परिषद द्वारा सर्वधर्म समाज सनातन सेवा समिति के सहयोग से देवी भागवत यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कथा में श्री वृंदावन धाम से युवा कथा आचार्य रवि कृष्ण ठाकुर द्वारा 9 दिनों तक देवी भागवत कथा पर प्रवचन दिए जाएंगे। बाड़मेर शहर में आयोजित करवाई जा रही 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आगाज शुक्रवार को शोभा यात्रा के साथ हुआ। बाड़मेर शहर के माहेश्वरी भवन में भारत विकास परिषद द्वारा सर्वधर्म समाज सनातन सेवा समिति के सहयोग से देवी भागवत यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कथा में श्री वृंदावन धाम से युवा कथा आचार्य रवि कृष्ण ठाकुर द्वारा 9 दिनों तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक देवी भागवत कथा पर प्रवचन किया जाएगा। कथा के प्रथम दिवस पर स्टेशन रोड स्थित मुकुंद सत्संग भवन भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर से शोभा यात्रा के साथ कथा का शुभारंभ हुआ। कथा के प्रारंभ में गिरीश और गायत्री द्वारा जोड़े से व्यास पीठ का पूजन किया गया। व्यासपीठ द्वारा देवऋषि गर्गाचार्य द्वारा ऋषियों को देवी भागवत के महात्म्य की कथा पर प्रवचन दिए गए और वासुदेव जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने और पृथ्वी को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए देवी भागवत कथा के नवधा यज्ञ के आयोजन हेतु महर्षि आचार्य ने निवेदन किया। महर्षि गर्ग आचार्य द्वारा देवी भागवत कथा के नवधा यज्ञ को संपन्न किया गया। उनके इस यज्ञ से प्रसन्न होकर देवी ने वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान कृष्ण का जन्म माँ देवकी के गर्भ से हुआ। संत महात्मा को मैं लेकर के आऊंगी। द्रौपदी रथ सजा दिया, महारानी है, चलो। ने पांडु पुत्रों ने एक यज्ञ किया है। कथा में माहेश्वरी समाज अध्यक्ष ओम प्रकाश मेहता, भारत विकास परिषद के ताराचंद जाटोल, महेश सुथार, पुरुषोत्तम खत्री, राजेंद्र बिंदल, रामकुमार जोशी, ओम प्रकाश चांडक, भारत मुंडड़ा के साथ गिरधारी लाल चांडक, मदन लाल राठी, रामेश्वर तापड़िया, भीमराज पुंगलिया, चेलाराम सिंधी, माहेश्वरी महिला मंडल अध्यक्ष चंपा तापड़िया उपस्थित रहे। कथा में मंच संचालन इंद्र प्रकाश पुरोहित द्वारा किया गया।